घरगुती वादातून पतीने केली पत्नीची हत्या, नाशिक मधील खळबळजनक घटना। नाशिकच्या वडाळागाव परिसरात घरगुती वादातून पतीने पत्नीची हत्या केल्याची धक्कादायक घटना समोर आली आहे। रिजवान इसाक पठाण असे या घटनेतील आरोपी पतीचे नाव असून पत्नीची हत्या करून स्वतः पोलीस ठाण्यात जाऊन हजर होत घटनेची माहिती दिली आहे। हुमेरा रिजवान पठाण असे खून झालेल्या पत्नीचे नाव आहे। मिळालेल्या प्राथमिक माहितीनुसार गेल्या अनेक दिवसापासून रिजवान आणि हुमेरा या दोघा पती पत्नी मध्ये वाद सुरू होते। या दोघांमधील हाच वाद टोकाला गेल्याने पती रिजवान याने रागाच्या भरात पत्नी हुमेराचा मोबाईल चार्जरने गळा आवळला, त्यातच तिचा मृत्यू झाला। तर रिजवान याने आपल्या पत्नीचा खून केल्यानंतर मृतदेह घरातच ठेवून तो थेट इंदिरानगर पोलीस ठाण्यात स्वतः हजर झाला। त्याने सर्व घटनेची माहिती पोलिसांना दिली। घटनेची माहिती मिळताच पोलिसांनी घटनास्थळी पोहोचून घटनेचा पंचनामा केला। पोलिसांकडून या खुनाबाबत अधिकचा तपास सुरू आहे। ब्युरो रिपोर्ट, इंडिया स्टार वन न्यूज, नाशिक। लड़की का नाम उमेरा रिजवान पठान। इनका सुबह 7 बजे हमारे को कॉल आया घर से कि ये इनका गला दबा के इंतकाल हो गया। हत्या होने के बाद में फिर उनका हस्बैंड उनको छोड़ के पुलिस स्टेशन में जमा हो गया और वो रोज नशा करता था और रोज मारता था और रोज ऐसा नशा करने का, रोज मारने का, रोज झूठने का। कल भी बच्चे लोग, छोटे बच्चों को मार के उसने दोपहर में भगा दिया घर से। भगाने के बाद में बोले तू तेरी माँ के आ जा, नहीं तो मैं तुझे आज खत्म कर दूंगा। उसने ये धमकी दिया उसकी औरत को, क्या तू तेरी माँ के अच्छा ले जा नहीं तो तुझे मैं मार दूंगा। तो उसने ये, हम सुबह उठे तो हमारे को ये न्यूज सुनने ही मिली क्या उसका सही में उसने गला दबा के हत्या कर दी। उसने सुबह 7 बजे से हम पहुंचे उसके घर पे तो उसकी जो माँ थी, उसकी माँ ने हिलाई, लड़की की जबान बाहर आ गई थी। छोटा बच्चा गया, बोले दादी दादी, बोले बच्ची, बोलने लगी दादी को कि अम्मी उठ रहे नहीं, बोले चाय पीने की। तो चाय पीने को गए, माँ को उठाने गए चाय पीने के लिए, तो माँ उठी नहीं, तो बच्ची दौड़ के दादी के पास गई। दादी ने फिर देखी, ऐसी चिल्ला पुकार हुई, पूरे रिश्तेदार जमा हुए। जब मालूम पड़ा कि लड़की को गला दबा के दूल्हे ने मार दिया, मारने के बाद खुद जाकर पुलिस स्टेशन में जमा हो गया। और मारने से पहले उन्हें रात में 2-3 बजे नशा खूब करके आया था और उसके साथ और 4 उसके दोस्त थे जो वो भी नशे के आदि थे और ये भी नशे का आदि था। इसने नशे के चक्कर में इसकी औरत की, औरत का खून कर। पुलिस ने उसको भी 4 दोस्त को तलाश करने मांगता और उनपे भी इंक्वायरी बिठाओ, सख्त उनको भी सजा दो, इनने जो बिगाड़े उसको सामने वाले को नशा करके घर पे भेजे, गलत सोबत के कारण ये ऐसा हादसा हुआ।